सत्य कहेगा सही से अपनी कुर्सी की पेटी बांधने के लिए और सच का सामना करने के लिए। जो लोग सच की राह पे चलते हैं, उन्हें कभी भी किसी के लिए भी अपनी राह नहीं बदलनी चाहिए। और अगर आपके खिलाफ ये सच हो, क्या तब भी आप भीगेंगी डॉक्टर जोशी? मेरे आबा कहते थे डॉक्टर सत्या कि इंसान जब सच्चा होता है तो उसे डरने की जरूरत नहीं होती। सच्चे इंसान को परेशान किया जा सकता है, हराया नहीं जा सकता। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। तो फिर तो आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध ही लीजिए डॉक्टर जोशी, क्योंकि मैं आपको तीखे सवालों की टेढ़ी सड़कों की सैर कराने वाला हूँ। सच्चाई की यही तो खूबी है, उसे झूठ की तरह तैयार नहीं होना पड़ता। ओके। केस के चलते सई को होना होगा हॉस्पिटल से सस्पेंड। I'm sorry to say, Dr. सई, पर आप पर जो इल्जाम लगे हैं बहुत संगीन है, और हॉस्पिटल के प्रोटोकॉल के हिसाब से जब तक ये केस क्लोज नहीं हो जाता, मुझे आपको सस्पेंड करना पड़ेगा। ये बात मैं आपको फोन पर नहीं कहना चाहता था, इसलिए मैंने आपको यहां पर बुलाया। मैं आपकी स्थिति को समझता हूँ, आपके दर्द को समझता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि इस वक्त आप पर क्या बीत रही है, लेकिन आप परेशान ना हो, हम सब आपके साथ में हैं। अपने सस्पेंशन की खबर को सुनकर सई की आंखों में आएंगे आंसू। जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, लोगों की सेवा, लेकिन मैं इससे टूटने वाली नहीं। मैं बेगुनाह हूँ और ये बात मैं कोर्ट में साबित कर दूंगी। आप देखिएगा, ये केस मैं ही जीतूंगी। राज कहेगा पाखी की इस हरकत पर कि वो दिन पर दिन सिर्फ गिरती जा रही है। डॉक्टर सई और डॉक्टर पुलकित के केस के लिए मेडिकल काउंसिल ने जिस डॉक्टर को अपॉइंट किया है, मैंने उसका नाम और नंबर आपको भेज दिया है। ठीक है, मैं देखता हूँ मुझे क्या करना है। थैंक यू। कमाल है ना विराट, तुम अपनी वाइफ के खिलाफ एक वकील लेकर आए अपनी एक्स वाइफ का साथ देने के लिए। कमाल तो यह है कि इतने दिनों से तुम मुझे बेवकूफ बना रही थी। क्या कहा? मैं तुम्हें बेवकूफ बना रही थी? याद नहीं आ रहा, भूल गई? उस दिन जब मैंने तुमसे पूछा था कि जब वीनू ने सई को गले लगाया था तुम्हें बुरा लगा था या नहीं, तुमने मुझसे क्या कहा था? तुमने मुझसे कहा था कि नहीं विराट, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा बेटा खुश है, ये फर्क नहीं पड़ता कि वो किसके साथ खुश है। सच तो ये है कि जब ये सब हो रहा था, तुम सई के खिलाफ कंप्लेंट कर चुकी थी, बस लीगल नोटिस का इंतजार कर रही थी। इसलिए मुझे मत कहो कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ। अभी अपनी हरकतों पर ध्यान दिया होता तो पता चल जाता कौन कितना सही है, कौन कितना गलत। बल्कि सच कहूँ, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ना, वो इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं तुम्हें और नीचे गिरने से रोक सकूँ। तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैं गिरती जा रही हूँ? विराट, मैं ये सब सिर्फ हमारे परिवार के लिए कर रही हूँ। नहीं बाकी, ये सब करके तुम हमारे रिश्ते का गला घोट रही हो।